श्री गुरुभ्यो नमः। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नैन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भग एव भगवागुमस्तु देवाः तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्वैज्यो हवीमि स नो भगपुर एता भवेह समध्वरायोषसो नमन्ता दधिक्रावे वशुकये पदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नः रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासः वीरवतीस्तदमुच्छन्तु भद्राः घृतन्दुहाना विश्वतः प्रपीनाः यूयं पात स्वस्तिभिस्तदा नः। ॐ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कोऑर्डिनेटर ब्रजल ज्ञान केंद्र से अनुरोध करूंगा कि वो आज के मुख्य वक्ता का स्वागत करें। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी से तो जो कि हमारे बीच में पधारे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स यूनाइटेड किंगडम से, तो उनके लिए स्वागत उद्बोधन हेतु प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी समन्वयक वैद्य विज्ञान केंद्र प्रोफेसर एस वी जी जी वेद विभाग से अनुरोध करूँगा कि वो स्वागत उद्बोधन। मेधा भूमे वरुणो ददातु मेधामग्निहि प्रजापतिः मेधानन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। इस विशिष्ट व्याख्यान के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी जो इस भारतवर्ष के ही हैं और संप्रति लीड्स विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम यूके में आप वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साथ ही आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और अन्य अन्य विश्वविद्यालयों में भी आपका अध्ययन हुआ है और स्नातक आप दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने किया है, तो ये हम सबके लिए एक गौरव का विषय है कि भारत के जो अध्येता हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में एकेडमिक फील्ड में जहाँ भी हैं वो अपने भारत का जो ज्ञान परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये भारत के लिए भी हम सब के लिए गौरव का विषय है, इसलिए मैं इस केंद्र की ओर से आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जैसा कि इसके मूल सूत्रधार प्रोफेसर राम सागर मिश्र जी जो इस संप्रति जेएनयू में प्रोफेसर हैं, इसके पूर्व जो है आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य रहे, आपने इनकी चर्चा की कि वे बनारस आ रहे हैं और इनका एक व्याख्यान किया जा सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक जो पाश्चात्य देशों में भी जो ज्ञान विज्ञान पर जो जिनका शोध है और वहाँ के एक तरह से आचार्य हैं उनसे एक संवाद एक डायलॉग इस सेंटर के लिए भी वो जिससे कि हमारे अध्येताओं को और हमें भी कुछ दृष्टि मिल सकती है। हम लोग मैं और कृष्ण मुरारी जी दोनों लोग हम गए थे लंदन की यात्रा यूके, लगभग 12 दिन की हम लोग यात्रा में थे, तो वहाँ बर्मिंगम और ऑक्सफोर्ड भी गए थे और उसमें हमारे राम सागर जी ने संयोजन किया था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ पर हिंदू स्टडी सेंटर में भी जाने का घूमने का अवसर मिला
और पूरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी बाहर से देखने का और समझने का अवसर मिला। तो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी मुझे देखने को मिली। एक तो वहाँ ये देखने को मिला कि पूरा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है तो वो लगभग 800 वर्ष उसका इतिहास है, सबसे प्राचीन एक तरह से आधुनिक काल का। यद्यपि अपना नालंदा तक्षशिला उस क्रम में हम उसको देखते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में या पूरे विश्व में सबसे प्राचीन के क्रम में उसको माना जाता है। तो वो उनकी उनका जो आर्किटेक्ट जो जैसा था आज से 800 वर्ष पहले का, आज भी उसी रूप से था। एक हमको हम सबको सीखने की चीज़ थी कि जैसे 100 वर्ष हमारा या काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 100 वर्ष पूरा कर चुका, हम 200 वर्ष के इस यात्रा में हैं। तो लेकिन हमने जो मालवीय जी की जो संकल्पना थी कि हमारा जो जो संकाय हो, जो महाविद्यालय हो, जो शिक्षण संस्थान हो, उसका जो आर्किटेक्ट हो वो मंदिर जैसा, और महामना के समय में जितने बने हैं या उसके बाद के भी जो काफ़ी उनके प्रभाव का जो क्रम था, तो मंदिर जैसा ही सारे हमारे संकाय हैं वो मिलेंगे। लेकिन बाद के जितने भी जो भी आर्किटेक्ट हुए, जो बिल्डिंग बने हैं, वो उसमें वो चीज़ें नहीं मिली। ये 100 वर्ष में ही अपने हमने विरासत को खो दिया, जबकि वो चीज़ 800 वर्ष पहले भी जैसी उनकी बिल्डिंग थी, नए जो बिल्डिंग जो उनके डैमेज हो रहे हैं उसको भी उसी रूप से उसको विकसित कर रहे हैं। तो अपने विरासत के प्रति कितने वो सजग हैं इसका अर्थबोध होता है। ये एक प्लस दृष्टि हमें वहाँ के लिए मिली। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ मंदिर की जो परिकल्पना है, वहाँ जितने भी बिल्डिंग्स थे उनका जो आर्किटेक्ट था वो चर्च, तो वो सारे जो फैकल्टीज हैं वो सब चर्च, उसके ऊपर वो चर्च जैसा। जैसे हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मंदिर है, उसी तरह उस यूनिवर्सिटी के बीच में भी एक कैथोलिक या एक चर्च था। तो मुझे कभी कभी ये लगा क्या मालवीय जी यहाँ आए थे, क्या उनको भी क्या जो हमारी जो संकल्पना विश्वविद्यालय को दिखती है वो उससे बहुत काफ़ी तालमेल दिखी। दूसरी चीज़ मुझे और देखने को मिली कि वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं, कोई प्रोफेसर्स है, लेक्चर्स है, चाहे छात्र हैं, कोई व्हीकल्स का प्रयोग नहीं, कार नहीं चला सकते हैं, वहाँ सबको जो है साइकिल। और दूसरी चीज़ है कि एक ट्राम गाड़ी थी, वो उस ट्राम गाड़ी से किसी को यात्रा है अपने तो सड़क पर ही पैदल भी चल रहे हैं, साइकिल से भी चल रहे हैं, और एक ट्राम है जिसमें कि 40-50 लोग बैठ सकते हैं, वो पूरा घूम रहा है, वो एक अप एक डाउन, तो उससे लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें अच्छी चीज़ें जो हम अपने चीज़ों को करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्खलन हो जाता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें अच्छी चीज़ें मिली। लेकिन ये है कि जो हमने किसी ने हमसे पूछा कि आपने क्या देखा क्या पाया, हमने कहा कि वहाँ स्वच्छता तो बहुत है लेकिन पवित्रता नहीं है। तो अब वो चीज़ें जो पवित्रता की जो संकल्पना हमने भारत की है, भारत की जड़ में है, उसकी जो खुशबू है, लेकिन वो भी हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, हम भी खो रहे हैं उस अंधे दौड़ के क्रम। लेकिन वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो भारतीय जो इस जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक चेतना है उसकी ओर वो उनका पूरे यूरोपियन कंट्रीज, हम इंग्लैंड की बात नहीं करते, वो कहीं ना कहीं वो उसको वो समझने लगे हैं कि ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसको हमको देखना चाहिए, जिसको हम गुरु जी कहते हैं चेतना विज्ञान या भारतीय की भारत की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ब्रह्म की परिकल्पना, जड़ और चेतन में भेद अभेद की परिकल्पना, और एक चेतन से जो जड़ से चेतनत्व की जो श्रेय से प्रेय या प्रेय से श्रेय, जो प्रेय से श्रेय की ओर जो हमें उन्मुख करता है, ये सब जो दृष्टि भारत की है। और ये तो सत्य है, कृष्णा शर्मा जी को मैं बताना चाहूँगा कि वेदों में वेद आदि शास्त्र है, और वेदों में रसायन का, हमारे यहाँ जितने वनौषधियों से जो आयुर्वेद में जितने भी रसायन की परिकल्पना हुई है वो हमारे
औषधि के लिए में उपयोग होते थे, जितने आसव इत्यादि के जो बनते हैं वो भी पहले जो है ज़मीन के अंदर उसको गाड़ दिए जाते थे, 10 साल 15 साल जितना पुराना होता था वो उतना ही अच्छा होता था। तो ये आसव, इसके अलावा जो भस्म इत्यादि, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ये सब भस्म की जो ये भी कहीं ना कहीं ये भी केमिकल से भी जुड़े हुए इसकी संकल्पना थी। यद्यपि वैसे क्रम में इन भस्मों के औषधि के रूप में इसकी स्वीकार्यता नहीं है, ये आयुर्वेद की दृष्टि से भारत में इसकी संकल्पना है। और नागार्जुन और भी लगभग हम अभी उस पुस्तक का काम कर रहे हैं, तो रसायन में लगभग हमने करीब 60-70 ऐसे प्राचीन ऋषियों के नाम मिले हैं जिनके द्वारा ग्रंथ रचित हैं, जिन पर वसुधा एक शोधात्मक कार्य नहीं हुए हैं, तो वो सब हम एक तरह से जोड़ सकते हैं। और आपकी भारत से किस प्रकार से आपकी यात्रा वहाँ तक पहुँची, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, और सस्टेनेबल केमिकल्स जो साइंस है, जो संपोष्य जो रसायन की जो परिकल्पना है, क्योंकि मैं इस बात को कहता हूँ, गुरु जी भी इस बात को कहते हैं कि वैदिक साइंस क्या है, जिसमें कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, जब नेचुरल को बात करता है, जो प्राकृतिक जो मौलिक स्वरूप की बात करता है, वो है वैदिक साइंस। हमारे ऋषि जो है, तेन त्यक्ते न भुंजीथा मार्गदा पश्यस्वी धनम्, त्याग पूर्वक जो जितनी जिसकी क्षमता है उसके उपयोग करने की बात की है। और वेस्टर्न जो साइंस की जो परिकल्पना, वो तात्कालिक लाभ हमें कितना प्राप्त हो जाए, उसका आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर उनकी चिंतन अवधारणा नहीं रही। साथ ही साथ वो जैसे हम उसमें चेतन भाव की परिकल्पना से हम औषधि को भी एक चेतन भाव के रूप में हम देखते हैं, उसमें भी देवत्व की भाव को हम देखते हैं, ये सब चीज़ें उनकी दृष्टि में नहीं रही। लेकिन अब वो कंसेप्ट धीरे धीरे वापस आ रहा है, और मेरा यह मानना है कि ये रसायन विज्ञान भी है, इसका भी कहीं ना कहीं जो मूल तत्व है वो हमारे वेद वेदांगों में से ही वेस्टर्न जो साइंटिस्टों को भी प्राप्त हुआ होगा। क्यों, कहीं ना कहीं जैसे कि आप अंतरिक्ष विज्ञान की चर्चा करते हैं, तो हमारे यहाँ आचार्य बारा मिहिर, आर्यभट्ट इत्यादि की जो ग्रंथ हैं वो ईसा से 500-700 हज़ार वर्ष ईसा बाद की बात है, उनमें सारे पिंडों की चर्चा, हमारे सारे ग्रहों की चर्चा, उनके अक्षांश देशांतर की चर्चा, सूर्योदय सूर्यास्त की परिकल्पना, ग्रह ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की परिकल्पना, ये आज से 1000-1500-2000 वर्ष पहले ग्रंथों में अगर प्राप्त है, इसके मतलब कि हमारे जो ऋषि हैं वो इन सारी चीज़ों को जानते थे, समझते थे। हनुमान चालीसा में ही जो युग शास्त्र योजन पर बाद, तो युग शास्त्र जो आज हम जो आज का आधुनिक विज्ञान कहता है कि सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है, सौर्यमंडल की दूरी है, वो एकदम सटीक बैठता है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कहीं ना कहीं हमारा अपना विज्ञान कर रहा है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम विशेष रूप से कृष्णा शर्मा जी का हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आप आए और आप यहाँ पर आपके व्याख्यान से हम सबको लाभ प्राप्त होगा, और आप ऐसे भी आगे आप जुड़े रहेंगे तो हमारे सेंटर को भी लाभ प्राप्त होगा। और हमारे गुरु जी शर्मा गुरु जी एक सहजता है कि जब भी निवेदन किया जाता है, आप जैसे भी प्रतिकूल परिस्थिति में भी इस केंद्र के लिए, वैद्य विज्ञान के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अभी लखनऊ की यात्रा थी, आपका स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं था, आप जाने के आपने उसको इनकार किया, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इस केंद्र के लिए और वैदिक साइंस की दृष्टि से आपकी वहाँ उपस्थिति अनिवार्य है। आपने प्रतिकूलता के बाद स्वीकार किया और कार से जो है हम लोग लखनऊ गए थे, तो कहीं ना कहीं आपका मनसा वाचा कर्मणा इस केंद्र के सहयोग के लिए आपका आशीर्वाद हरदम प्राप्त होता रहा है, आप ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। आप सभी हमारे जितने भी यहाँ पर हैं गेस्ट फैकल्टी हैं, आप प्रोफेसर मृत्युंजय जी से आप परिचित होंगे आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, इसी प्रकार से जयसिंह जी हैं, प्रोफेसर जयसिंह जी केमिस्ट्री में,
ज्योतिष से हैं हमारे सुशील गुप्ता जी हैं ज्योतिष डिपार्टमेंट में बीएचयू में। हमारे डॉक्टर मौर्या सर हैं जो हमारे मैथमेटिक्स वैदिक मैथमेटिक्स के हमारे यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी हैं। हमारे खत्री जी हैं डॉक्टर विकास खत्री जी, आप ज्योतिष के वैदिक गणित के ही हमारे गेस्ट फैकल्टी हैं। हमारे यहाँ के छात्रा नहीं हैं लेकिन कई विश्व रिकॉर्ड इन्होंने वो किया है। नेहा सिंह है ये राम सागर जी से तो परिचित है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ की वैदिक मैथमेटिक्स की छात्रा रही हैं, दोनों वैदिक मैथमेटिक्स। और ये जो आपने इनका सुना जो मंगलाचरण, ये भी हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं वेद डिपार्टमेंट के और यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी हैं वैदिक साइंस में, और अच्छे स्कॉलर हैं और इनके साथ में उनके और हमारे इस वैदिक साइंस के जो भी मल्टीमीडिया से जुड़े हुए और लाइब्रेरी से जुड़े हुए यहाँ पर यहाँ लोग उपस्थित हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए शर्मा जी का पुनः अभिनंदन। जय जो संस्कृत, जय जो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपना व्याख्यान हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें, और समय के लिए मैं उनसे विशेष अनुरोध करूँगा कि वो अपना 25 मिनट के अंदर व्यक्त कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर उनका विस्तृत व्याख्यान का लाभ हम अगले कार्यक्रम में प्राप्त करेंगे। डॉक्टर कृष्णा, कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर के, अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी, प्रोफेसर राम सागर मिश्रा जी जेएनयू प्रोफेसर, यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षक और स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं ये धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, और प्रोफेसर राम सागर मिश्रा जी का मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और दूसरा, मैं बीएचयू कैंपस में पहली बार आया हूँ और प्रोफेसर राम सागर मिश्रा जी ने मुझे टूर दिया है। अभी सब कुछ कवर नहीं कर पाए हम लिमिटेड टाइम के, जितना भी मैंने देखा है मेरे को कैंपस इन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि उसकी जो ड्यूटी है, जो हिस्ट्री है और जो आर्किटेक्चर है उसका, और जो हिस्ट्री है साइंटिस्ट की जो यहाँ पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत मैं मेंशन करूँगा। बट इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं प्रोफेसर राम सागर मिश्रा जी को कब मिला, जब मैं अपनी मास्टर्स करने गया ऑक्सफर्ड में और ये पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो थे वहाँ पर, तब मेरी इनसे मुलाकात हुई और तब हम साथ में एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे और डिस्कस भी करते थे साइंस को। और तब जैसा इन्होंने बोला, हम बाकी लोगों से भी हमारा परिचय हुआ और उसके बाद मेरी जर्नी आगे रही केमिस्ट्री में, और राम सागर मिश्रा जी की आगे जर्नी रही, मेरे काफ़ी सीनियर रहेंगे, हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। तो इन्होंने मुझे ऑब्वियसली आप सब लोग यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, वैदिक साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, मैं केमिस्ट्री में हूँ, मैं अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, मुझे आपसे सीखने को मिल सकता है वैदिक साइंस में। और राम सागर मिश्रा जी ने मुझे बोला है कि जो मेरी जर्नी है अभी तक वहाँ उस पॉइंट से लेके अभी तक, मैं उसको शेयर करूं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे छात्र हों जिनको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले या कुछ प्रेरणा मिले अपनी डायरेक्शन में और उनको हेल्प मिले अपनी डायरेक्शन में सोचने में, नॉट नेसेसरली एग्जैक्टली केमिस्ट्री बट अपने अपने दिशाओं में। बिकॉज मेरी जो जर्नी रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है इन द सेंस कि वो बहुत इस जो चित्र है इस स्लाइड है उसकी तरह रही है। जैसे आप देख सकते हैं एक नाव है और नाव पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक नाव को चला रहा है, और इसको हम कैम्ब्रिज में पंटिंग कहते हैं इस चीज़ को। तो ये नाव है और इसमें आप इमेजिन करें कि मैं बैठा हूँ यहाँ पर, और इस नाव पे ये जो पर्सन जो चला रहे हैं ये बहुत डिफरेंट मेरे मेंटर्स हैं जिनको मैं मिला हूँ इस ज़िंदगी में, जिन्होंने मेरी नाव चलाई।
उस दिशा में जिस दिशा से मैं आगे बढ़ूँ, और ऐसे मैं ऐसा लकी रहा कि मुझे ऐसे मेंटर्स मिलते गए इस लाइफ में जिससे मेरी वो दिशा बनती चली, और वो काफ़ी मेंटर पे डिपेंड करता है क्योंकि वो दिशा गलत भी जा सकती है। तो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसा मिला, और मैं वही आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कौन कौन मेरे लाइफ में मुझे मेंटर्स मिले। केमिस्ट्री भी मैं बहुत थोड़ा शेयर करूँगा, लेकिन आप यहाँ पे जो एक्सपर्टीज है केमिस्ट्री वाले सारे तो नहीं है, तो मैं उसको बैलेंस रखूँगा और मैं आगे बढ़ने की परमिशन चाहूँगा। तो उससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं BHU कैंपस की बात कर रहा था, और यहाँ पे मुझे पता चला राम सागर मिश्रा जी से कि यहाँ पर लोग जो रहे हुए हैं दिग्गज लोग, वो हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे हुए, SS भटनागर जी हुए, PC Ray, CV Raman जी यहाँ पर रहे हुए हैं अपनी रिसर्च के लिए। और इनफैक्ट मुझे राम सागर मिश्रा जी ने बताया कि आइंस्टाइन भी यहाँ पर उन्होंने अप्लाई किया था आने के लिए, बट उनका हाँ वीज़ा का इश्यूज़ रहे। और ऐसा एक वहाँ पे केंद्र है जहाँ पे ये सब लगाया हुआ है उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में, अभी तक मैं वो विजिट नहीं कर पाया बट मैं बहुत करना चाहूँगा, उसको भी देखना चाहूँगा। बाकी जयंत नार्लिकर जी रहे हैं जो मुझे मालूम पड़ा, जो कि कन्फॉर्मल ग्रेविटी थ्योरी जिन्होंने आविष्कार किया है उसका, और BHU में थे, फिर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, और उसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर एंड HOD ऑफ मैथ्स डिपार्टमेंट में रहे हैं, जो आप कई सारे लोग मैथ्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो आप उनके बारे में जानते होंगे। और फिर CN Rao जी के बारे में मुझे पता चला कि वो भी यहाँ पे थे, जो कि एक बार ऑक्सफर्ड में भी थे जब हम लोग थे ऑक्सफर्ड में, और उसके बाद वो यहाँ पर काफ़ी टाइम तक PM के साइंटिफिक एडवाइज़र रहे हैं, और जब मैं अपनी अंडर ग्रेजुएट कर रहा था तब मैंने उन्हें बुलाया भी था ताकि वो अपना जर्नी शेयर करें हमारे सेंट स्टीवेंस कॉलेज। तो मैं इस जर्नी की बात कर रहा था आपसे, और सबसे पहले जो नाव चालक थे मेरे, वो थे मेरे नाना जी। और ये नेक्स्ट स्लाइड में ये मेरे नाना जी हैं इस पिक्चर, और ये मैं, और आप जैसे देख सकते हैं उनके पूरा घर मेरा उनका एक्चुअली किताबों से भरा हुआ था। और मेरे घर जो था मेरे पेरेंट्स का, वो उसी सोसाइटी में था पास में, लेकिन मेरे पेरेंट्स बिजी रहते थे, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स हैं, तो उनको पूरा दिन स्पेंड करना पड़ता था यूनिवर्सिटी रिसर्च में, तो मैं वो टाइम अपने नाना के साथ स्पेंड करता था दिन में जब तक मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आते स्कूल से बाहर आते। और मेरे नाना बहुत नॉलेज रखते थे मैथ्स के सब्जेक्ट में, उनके स्टूडेंट्स बाद में बहुत बड़े बड़े लोग निकले, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके स्टूडेंट रहे हैं, और कमिश्नर्स और बहुत लोग, और इन्होंने फ्री में एजुकेशन दी है बहुत लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे सामने, और मुझे खुद उन्होंने सिर्फ मैथ्स नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने मुझे पढ़ाए, तो मुझे कभी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसकी वजह से मैं इनको आई कॉन्ट थैंक इनफ कि उन्होंने जो मेरे लिए किया। सिर्फ वही पढ़ाई नहीं, दूसरी पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है टू नो अबाउट मॉरल्स वो यंग स्टेजेस में, तो उन्होंने मुझे उसके बारे में भी बताया और बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज मेरे से शेयर करते थे उस दौरान। और एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी एक बहुत तगड़े मैथमेटिशियन के बारे में, जो कि क्लर्क थे इंडिया में, और उस टाइम पे उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ थे, बहुत तगड़े आइडियाज़ थे मैथ्स में, और वो आइडियाज़ वो शेयर करना चाहते थे लोगों से और उसमें कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने खूब लेटर्स लिखे अराउंड द वर्ल्ड, और एक प्रोफेसर ने उनका रिकग्नाइज किया और पाया कि ये तो बहुत ब्रिलियंट मैथमेटिशियन है, हमें समझ में नहीं आ रहा है अगर इन्होंने क्या लिखा है तो उनको इन्वाइट करना चाहिए और समझना चाहिए, तो उन्होंने इन्वाइट किया। और ये जहाँ गए जो हैं उनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन, जो आप सब जानते हैं जिनको, और जहाँ गए वो पिक्चर है जो मैंने इससे पहले शेयर करी है, और उस पिक्चर को मैं अभी सस्पेंस रखूँगा, मैं आपको बाद में बताऊँगा कि वो पिक्चर कहाँ बिलोंग करती है और वो किधर गए। बट उससे पहले मैं और एक कोट भी शेयर करना चाहूँगा जो मेरे नाना शेयर करते थे, और वो कोट था लियो टॉल्स्टॉय का, जो कि इंग्लिश में है बट मैं उसका हिंदी में आपको सार बताने की कोशिश करता हूँ कि अ मैन इज़ लाइक अ फ्रैक्शन, तो एक हम इंसान जो हैं एक फ्रैक्शन की तरह हैं जिसमें हमारा भिन्न में हमारा जो अंश है वो है व्हाट वी आर, हम क्या हैं वो हमारा अंश है, उस फ्रैक्शन का अंश है, और जो हर है वो है
व्हाट वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ्स, हम अपने आप को क्या सोचते हैं. तो जो न्यूमिनेटर है उस फ्रैक्शन का है व्हाट वी आर, एंड डिनोमिनेटर है व्हाट वी थिंक ऑफ आवरसेल्फ्स. एंड कोट ऐसा एंड होता है कि द लार्जर द डिनोमिनेटर द स्मॉलर द फ्रैक्शन. इसको आप अपने आप में वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं. बट ये मेरे नाना काफ़ी फॉलो करते थे ये कोट. तो उस मेरे घर पे इसमें शायद नहीं आ रही एक पिक्चर लगी थी जो कि श्रीनिवास रामानुजन की फ़ोटो थी और वो उनके आइडल थे. और हमेशा मैं उस फोटोग्राफ को देखता था और मुझसे ये उनकी स्टोरी डिटेल में शेयर करते रहते थे जी एच हार्डी के बारे में जिन्होंने उनको लिखा और इन सब के बारे में. तो ये वो फोटोग्राफ जो उनकी यहाँ लगी थी, ये मैंने अलग से लगाई है. दिस इज़ द ओनली फोटोग्राफ अवेलेबल उनकी श्रीनिवास रामानुजन. तो उसके बाद होते करते स्कूल के बाद एक कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो कहलाता है सेंट स्टीवेंस कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस है इंडिया में, जहाँ पे कई सारे आईएएस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स इंडिया के, अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हमारे एलुमनाई हैं कॉलेज के, और ये सारे लोग निकलते हैं यहाँ से. उसका एक प्रेस्टीज है. तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इस कॉलेज में ज्वाइन करूँ और मैं कुछ सीखूँ केमिस्ट्री में. तो मैंने अंडर ग्रेजुएट केमिस्ट्री यहाँ पर ज्वाइन करी, 3 साल काफ़ी कुछ सीखा और कुछ सोसाइटीज़ में भी भाग लिया, जैसे कि केमिस्ट्री सोसाइटी, उसको चलाया 3 साल में. जब प्रोफेसर सी एन आर राव जो यहाँ पर बीएचयू में भी थे उनको इनवाइट किया, तब वो पीएम के साइंटिफिक एडवाइज़र थे, उन्होंने आए और अपनी जर्नी शेयर करी बच्चों से और बच्चे इंस्पायर हुए उससे. तो हमने ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की. बट एंड में मेरे कुछ ऐसे टीचर्स रहे उस दौरान कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आया जब मैं पढ़ रहा था. तो मैंने सोचा कि उसको मुझे परस्यू करना चाहिए, उस फील्ड में रिसर्च करना चाहता था. तो उस फील्ड में रिसर्च करने के लिए हमारे कॉलेज से कुछ लोग जा चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अप्लाई करूँ, मैं भी कोशिश करूँ कि हो सकता है कि वहाँ पर मेरा मास्टर्स में हो जाए. तो मैंने अप्लाई किया वहाँ पर और जब मैंने अप्लाई किया तो लकीली मेरा हो गया वहाँ पर एडमिशन. एंड मुझे स्कॉलरशिप की ज़रूरत थी और स्कॉलरशिप के इंटरव्यू के लिए गया और एक स्कॉलरशिप है जे एन टाटा एंडोमेंट स्कॉलरशिप और वो मुझे प्राप्त हुई, जिसकी वजह से मैं ये स्टडीज़ कर पाया. और उस स्कॉलरशिप पे मैंने अभी रियलाइज़ किया कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं वो भी उसी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्कॉलर्स रहे हैं उसी स्कॉलरशिप पे जो हमें स्कॉलरशिप मिली. और मैंने मुझे और ये भी पता चला कि वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो हम सब जानते ही हैं कि वो थे, और सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, बट कि वो फोर्थ वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी के भी थे. ये मुझे यहाँ पे आके मालूम पड़ा कि वो यहाँ पर उन्होंने इसका भी योगदान दिया हुआ है. तो मैं जब ऑक्सफर्ड पहुँचा तो वहाँ पर मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइन किया और मेरी मास्टर्स में रिसर्च थी और उसमें मेरे एक सुपरवाइज़र थे जो कि मेरे मेंटर हैं. और वो रिसर्च थी, उस रिसर्च को समझाने के लिए पहले मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में, कि केमिस्ट्री बहुत नेचर से इंस्पायर है, हमारे प्रकृति से काफ़ी ये इंस्पायर्ड है. क्योंकि अगर आप देखें तो पता नहीं कितने ड्रग्स, कितने मेडिसिन हमारे प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एस्पिरिन ले लें और विलोटरी लीव्स को ले लें, आप ये मॉलिक्यूल उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये यूज़ होता है एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी यूज़ होता है. टैक्सोल जो कि एंटी कैंसर ड्रग है वो पैसिफिक यू ट्री से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. ऐसे ही एक एंटी कैंसर ड्रग विनक्रिस्टीन है जो कि बीटा ड्यूबुलिन से, और हेलिकॉन्ड्रिन बी जो कि मरीन स्पॉन्ज में बनता है, और एक एंटी मलेरियल ड्रग है क्विनीन बहुत यूज हुआ है जो कि सिंकोना एल्कलॉइड एक ट्री उसके बाग से भी मिल सकता है. तो हमें इससे पता चलता है कि नेचर ऑलरेडी ऐसे मॉलिक्यूल्स को इतने कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री कर रहा है और इसको करते हुए हमारे पर्यावरण को, ह्यूमन बींग्स, हमें मानव जाति को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, आराम से कर रहा है और इतने मुश्किल मॉलिक्यूल्स बना रहा है. तो इससे हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है हमारे केमिस्ट्री रिसर्चर्स को कि हम भी ऐसा करें, ये मॉलिक्यूल्स बना पाएं खुद और उससे कोई नुकसान ना पहुंचे. जैसे नेचर कर रहा है वैसे ही हम भी कर पाएं.
नेचर पे तो डिपेंड नहीं रह सकते बिकॉज क्वांटिटी लिमिटेड है और बहुत सारे लोगों को चाहिए, तो कैसे लैब्स में जो बन रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स फार्मा कंपनीज बन रहे हैं, कैसे ये जो ड्रग्स हैं कैसे ये मेडिसिन हैं उसी सिमिलर तरीके से, चाहे वो उतनी 100% एफिशिएंट ना हो पर जितनी हो सकती है ताकि हमें और पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। तो मैं जिस प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व था मास्टर्स के दौरान उसको मैं थोड़ा सिंपल टर्म्स में, केमिस्ट्री वाले तो शायद डायरेक्टली समझ लें उसको, लेकिन जो बाकी हैं उनको मैं समझाना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में ऐसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सिमिलर होगा, सेम होगा, जैसे आपके दो हाथ हैं, आपके दो हाथों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे। उसमें जैसे आपका राइट हैंड ग्लव आपके राइट हैंड में फिट होगा और लेफ्ट हैंड ग्लव लेफ्ट हैंड में फिट होगा, लेकिन उनका सेम स्ट्रक्चर है डिफरेंट फंक्शन में। और उसको अगर आप मिरर में रखें अपने एक हाथ को तो आपका लेफ्ट हैंड उसका मिरर इमेज आ जाएगा। ऐसे ही केमिस्ट्री में होता है, दो मॉलिक्यूल सेम स्ट्रक्चर जैसे आप देख सकते हैं उनका एक ही स्ट्रक्चर है लेकिन एक की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल इसकी प्रॉपर्टी है ऑरेंज की तरह स्मेल करेगा, इसकी है लेमन की तरह स्मेल करेगा। और ऐसे ही ये मॉलिक्यूल है जो कि मेडिसिन की तरह यूज होता है, सेडेटिव और एंटी नोसिया एजेंट, बट इसका अगर आप उल्टा फॉर्म ले लें तो ये डैमेज कर देगा। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं और मेरा जो मास्टर्स का रिसर्च था ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में वो था कि कैसे हम एक फॉर्म बना सकते हैं उस मॉलिक्यूल। और ये तो मैं आपको ऐसा सिचुएशन दे रहा हूँ जिसमें दो ही पॉसिबिलिटी हैं जो कि कायरल सेंटर से होती हैं, जो ये सेंटर है, और ये सेंटर्स अगर बढ़ जाते हैं तो एक्सपोनेंशियली फॉर्म्स बढ़ जाते हैं। जैसे जो मैंने आपको अभी दूसरा एक मॉलिक्यूल दिखाया था टैक्सॉल, उसमें तो अराउंड मेरी 10 से ज़्यादा ऐसे सेंटर्स हैं, तो 2^10 कर लें तो उतने डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और नेचर को पता है कि वो वन फॉर्म 2^10 में कौन सा है जो कि कैंसर कॉज करेगा और वो बाकी सारे फॉर्म्स कौन से हैं जो कि हार्मफुल हैं, और वो वही फॉर्म एकदम सेलेक्टिवली बना पाता है। तो मेरा मास्टर्स प्रोजेक्ट था कि क्या मैं वही चीज़ केमिकली कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के, जो कि इंडोलिन मॉलिक्यूल है ये, और ये मॉलिक्यूल काफ़ी फार्मास्यूटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, कई नेचुरल प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है, तो इसको अगर हम बना सकते हैं तो इसका काफ़ी फार्मास्यूटिकली यूज़ हो सकता है। तो मेरे सुपरवाइजर का रिसर्च इस एरिया में था, तो हमने ये रिसर्च की और हम बना पाए इसको काफ़ी अच्छे। इसके चार फॉर्म पॉसिबल हैं क्योंकि इसमें 2 सीरियस एंटर हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया 2^n 2^2 कर लें, तो 4 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, हम एक ही उसका फॉर्म बना पाए सेलेक्टिवली। और उसके बाद इसको हमें पता करना था ये केमिस्ट्री जो है ये कैसे हो रही है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो उसको फिगर आउट कर, किसी को मालूम नहीं था उस टाइम पर कि ये केमिस्ट्री कैसे होती है, ये रिएक्शन अगर आप ये लेते हैं और इस ये सब अगर डाल देते हैं इस रिएक्शन में तो ये कैसे बन जाता है, तो ये हमें पता करना था। और इस पता करने के लिए हमने क्या किया, ये लिया और ये डाले चीज़ें और हमने देखा कि ये कैसे यूज़अप होता है, कैसे कंज्यूम हो रहा है, और उसे हम पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसे जा रही है, कैसे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप देखें ये जो ग्राफ है ये है फॉर्मेशन ऑफ दिस, तो ये जितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर आप देखें यहाँ तक तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ इस टाइम पीरियड तक 1000 something seconds तक कोई रिएक्शन नहीं, देयर इज एन इंडक्शन पीरियड, उसके बाद एकदम से ये रिएक्शन शुरू होती है और इसी टाइम पीरियड में एकदम खत्म हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको हमने सॉल्व किया और इसके दौरान भी कई चीज़ें आई, कुछ लोगों ने बोला कि ये तो डजंट मेक एनी सेंस और हमें मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरा मास्टर्स प्रोजेक्ट है और थोड़ा टाइम है तो मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, और एक चीज़ काम कर चुकी है मैं क्यों उसमें समय बर्बाद करूँ, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। लेकिन मेरे मेंटर बहुत तगड़े थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें गिव अप नहीं करना चाहिए चाहे जैसा भी हो, और मैंने उनकी बात सुनी और उन्होंने मेरी मीटिंग फिक्स कराई कुछ बहुत तगड़े लोगों से ऑक्सफर्ड में, और हमने उनके साथ बात करी, कुछ आइडियाज़ मिले हमें उनसे बात करके, और उससे उस सब के थ्रू हमने इसका पता लगा लिया कि क्या इसका मैकेनिज्म है, कैसे ये रिएक्शन होती है, क्यों यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है इस टाइम फ्रेम में, और कैसे एकदम से ये इतनी तेज़ हो जा रही है कि सब कुछ प्रोड्यूस हो जा रहा है यहाँ पर। और ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली कंडीशंस हैं कंपेयर टू कैसे इसको किया जाता है उसके कंपेरिजन में। तो और इस सब पूरे काम को हम पब्लिश कर पाए एक बहुत अच्छे जर्नल में, केमिस्ट्री का जर्नल है जर्नल ऑफ मेडिकल केमिकल सोसाइटी। तो अब इस
इसके इस संदर्भ में मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम मैं और राम सागर मिश्रा जी हम मिले थे प्रोफेसर वेंकी रामकृष्ण, उससे कई साइंस के लोग इंस्पायर्ड हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है केमिस्ट्री में। राइबोसोम जो हमारा एनर्जी हाउस है वो इसका स्ट्रक्चर इन्होंने निकाला, और इनसे हमने बातचीत करी और इनके मैंने कई टॉक्स अटेंड करवाए, और उसमें उन्होंने बोला है कि साइंस का क्या मोटिव है, उसमें उन्होंने बोला है कि नोबडी इज़ वर्थ इट, और अगर आप मेरे उसमें अप्लाई करें तो आप जैसे कुछ करें और आपके काम में कोई बोले कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको करना ही नहीं चाहिए, तो इस मोटिव हिसाब से आपको किसी का वर्ड नहीं लेना, आप अपने आप करो। अगर आपको उनकी बातों में बिलीव नहीं है, आप अपने में बिलीव रखो, और क्या पता वो पॉसिबल है जो चीज़ आप करना चाहते हो जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये मोटो मुझे ऐसा लगा कि कई चीज़ों में अप्लाई होता है नॉट जस्ट साइंस में। और उनकी एक किताब भी है, उनकी जो जर्नी रही है कैसे वो इंडिया में रहे और डिफरेंट कैंपसेस में उन्होंने यहाँ पे अपना स्टडी करी, उसके बाद बाहर गए, उसके बाद डिफरेंट एरियाज में इनका रिसर्च रहा है, कैसे केमिस्ट्री में थे ये, उसके बाद इन्होंने बायोलॉजी फिजिक्स एक्चुअली इन्होंने पढ़ाई करी, बायोलॉजी में इनकी रिसर्च थी, फिर उनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला, तो एक तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी। और ये बुक बहुत तगड़ी बुक इन्होंने लिखी है, उस सारे जो उन्होंने हर्डल्स आई बीच में कैसे उन्होंने ओवरकम की उन चीज़ों को। और ये हमारी लैब है, प्रोफेसर राम सागर मिश्रा जी जानते हैं ये, उसमें उन्होंने भी काम किया है, हम डिफरेंट फ्लोर में थे, वो थे यहाँ बेसमेंट फ्लोर पे और मैं था यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे, और ये हमारा कैफेटेरिया था, तो यहाँ हम खूब जाते थे, हमारा फर्स्ट फ्लोर में भी एक टी रूम था, अंदर भी खूब मुलाकात होती थी और हम लोग मिलते थे, डिस्कस करते थे दिन के एक्सपेरिमेंट्स और ये सब। और आप जैसा प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी बता रहे थे कि वो गए हुए हैं ऑक्सफर्ड, उन्होंने राइट लेफ्ट कैमरा आपने देखा होगा, लाइब्रेरी आप बता रहे थे देखा, एंड ये हमारी लैब्स हैं। और ये मेट्रिकुलेशन होती है, आपने शायद उसने जब टूर लिया था तो बताया होगा उन्होंने कि इस जगह पे शेलोनिया थिएटर में ये इनका ट्रेडिशन है, जैसे यहाँ पे हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजियट सिस्टम है और ट्रेडिशन हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ट्रेडिशन हैं। तो इधर क्या होता है कि आप पहले जाएंगे तो आपको फॉर्मली इंडक्ट किया जाएगा एज अ स्टूडेंट, उसके इंडक्शन के लिए एक सेरेमनी अटेंड करनी पड़ेगी जो कि जिसका नाम है मेट्रिकुलेशन, उसमें सारे स्टूडेंट्स आएंगे और उनको लाइफ टाइम के लिए उस यूनिवर्सिटी का मेंबर बनाया जाएगा, तो आप मेंबर फॉर लाइफ हैं और आप इन सबसे कनेक्टेड रहेंगे, जो भी आपके साथ पढ़े हैं, जो भी आपके एलुमनाइज हैं, और कभी भी आप उस यूनिवर्सिटी जा सकते हैं और अपने गेस्ट को भी साथ में लेके जा सकते हैं। तो इट्स अ फीलिंग ऑफ इंक्लूसिविटी, बट आपको ये सेरेमनी जरूरी होगी कि ये करना है सेरेमनी। और ये आपने देखा होगा हैरी पॉटर फिल्म में ये डाइनिंग हॉल, ये वही डाइनिंग हॉल जो हैरी पॉटर फिल्म में यूज़ किया, क्राइस्ट चर्च का डाइनिंग हॉल, थोड़ा एनिमेशन यूज करके उसको बड़ा बनाया गया, और ये उसका कोर्ट है। और कुछ चीज़ें उस केमिस्ट्री के बारे में जो मैं शेयर करना चाहूँगा, ये आप शायद आपने नोटिस किया हो, जब आप साउथ पार्क से रोड पे वॉक कर रहे होंगे तो उन्होंने कुछ ये फाउंडेशन स्टोन लगा रखे हैं, जैसे आपके बीएचयू में भी लगे होंगे, जो कि जितने बड़े लोग रहे हैं जिन्होंने तगड़ा काम किया, जैसे मैं गया एक स्ट्रीट पर, वहाँ पर स्ट्रीट पर राम सागर मिश्रा जी ने मुझे दिखाया कि ये सारे लोग यहाँ पे रहे हुए हैं, उनका नाम वहाँ पे लिखा हुआ है घर के सामने, तो ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ, जो कि बहुत बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, लेकिन जो उन्होंने लगाए हैं वो है ग्लूकोज सेंसर के बारे में, जिससे पूरे वर्ल्ड में ग्लूकोज डायबिटीज़ आपका चेक हो रहा है, लेवल चेक हो रहा है, वो वाली डिस्कवरी ये आप देख सकते हैं, 2014 आप देख सकते हैं कि कैसे डोरोथी क्रॉफर्ड हॉजकिन ने अपनी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके कई चीज़ों का स्ट्रक्चर दिखाया कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, और उससे नोबेल प्राइज जीता। और ऐसा ही एक लैंडमार्क डिस्कवरी अगर बोला जाए सतत केमिकल साइंस सस्टेनेबल केमिकल साइंस में, वो होगी लिथियम आयन बैटरी डिस्कवरी, जिससे आपके फोन्स चल रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रिक सारी चीज़ें चल रही हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रही हैं, और इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया सारे वर्ल्ड को। तो ये डिस्कवरी जॉन बी गुडेनफ ने करी वहीं पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑक्सफर्ड, और इसके लिए उन्हें बहुत टाइम लग गया नोबेल प्राइज़ जीतने के, अभी रिसेंटली उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, और आप शायद कुछ लोग आप जानते हो उनकी, अभी अभी ही पास अवे साइड एज वेल।
but he left and he got the Nobel Prize for that work. तो इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है और इन्होंने लिखा हुआ है वहाँ पे नोबेल प्राइज वेबसाइट पे कैसे ये बैटरी फाउंडेशन ले करती है सस्टेनेबिलिटी की तरफ, ये वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए, नॉट जस्ट विद दिस बट और नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करे जाएँ, फॉसिल फ्यूल्स पे कम डिपेंड किया जाए और बाकी चीज़ें जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उन पर डिपेंड करके आगे बढ़ा जाए। तो ये मेरी रिसर्च ग्रुप थी जो जहाँ पे मैं था, ये सारे लोगों से मुझे बहुत सीखने को मिला, मेरे मेंटर से और बाकी सब लोग भी इतने जानकार थे और जिनके पास भी मैं जाता था वो सारे लोग हेल्प करते थे। और ये टाइम तो लिमिटेड है बट ये पूरी एक और स्टोरी है कि मुझे मेरे मेंटर से क्या क्या सीखने को मिला वहाँ पर, वो मैं अभी लिमिटेड टाइम में डिस्कस नहीं कर पाऊँ, और जो हर्डल्स आए और उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया ताकि मैं चीज़ें सीख पाऊँ अपने टाइम को सेक्रीफाइस करते हुए। लेकिन अब उस टाइम पे उन्होंने मुझे ये किया और अब ये बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, नेचर पेपर पब्लिश कर रहे हैं, उनका भी जस्ट नेचर पब्लिश पब्लिकेशन है, एक सेंटर के डायरेक्टर रहे ये अभी जस्ट, तो मैं इनको हाईली रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी इन्होंने टाइम डिवोट किया मेरे लिए। और फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था कि कैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा बायोलॉजी में अप्लाई कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं जाना चाहता था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, वहाँ पर एक रिसर्च हो रही थी कि कैसे हम केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके कैंसर में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम एंटी कैंसर मॉलिक्यूल्स डेवलप कर सकते हैं। इसका भी मेरे पास समय नहीं है कि मैं सारा समझाऊँ इसको, क्योंकि 25 मिनट का टाइम लिमिट है, लेकिन ये सारा पीएचडी का मेरा काम रहा है कि कैसे हमने कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए, उनको हमने बायोलॉजी में टेस्ट किया कि उनकी एक्टिविटी क्या आएगी, माउस सेल्स में टेस्ट किया और इन विट्रो एनालिसिस की कि वो एक प्रोटीन है जो कि जो बेसिकली आपके हम सब में एक प्रोटीन है P53 जो कि कैंसर स्पेसिफिक प्रोटीन है, तो ये क्या करता है, अच्छा ट्यूमर सप्रेसर जो आपकी कैंसर सेल्स हैं उनको ये किल करता है, और ये नॉर्मली फंक्शन कर रहा है अभी, इसलिए कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, और जब ये होता है तब कैंसर होता है। ये प्रोटीन ऑलरेडी नेचुरली चेक कर रहा है उस चीज़ को, और ऐसे बहुत इंट्रिकेट मैकेनिज्म हैं हम सबके अंदर जो कि वर्क कर रहे हैं और इस वजह से हम चल रहे हैं। तो ऐसे ये प्रोटीन भी है और ये जब मैल फंक्शन हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको केमिस्ट्री से कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, मैल फंक्शन इन द सेंस ये प्रोटीन जो फ्री फॉर्म है ये कम हो जाता है और इस फ्री फॉर्म को हम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें अभी मैं जॉइन नहीं पाऊँगा, बट ये हमारा कैम्ब्रिज का पूरा डिपार्टमेंट था, ये बाकी लोग जिनसे अगेन मुझे काफ़ी सीखने को मिला, और ये हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट रहा है, इसमें भी बहुत तगड़े तगड़े इन्वेंशन हैं जो मुझे अभी समय नहीं है कि मैं उसके बारे में बताऊं, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी कुछ साल पहले ये डिपार्टमेंट हमारा हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, जो ये अब रीनेम हो गया एक हमारे इंडियन के नाम पे यूसुफ हमीद डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, बिकॉज यूसुफ हमीद हमारे एलुमनाई रहे हैं और इन्होंने एक नोबेल लॉरेट के साथ काम किया है अलेक्जेंडर लॉर्ड टॉस, और ये अभी सिप्ला के वो भी हैं चेयरमैन CEO सिप्ला कंपनी जिसकी हम दवाइयाँ लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत हम्बल, और इनसे भी काफ़ी सीखने को मिला है मुझे मिलकर, और ये यहाँ पे पढ़े हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और इनका एक कॉलेज है क्राइस्ट कॉलेज जहाँ पे रहें, जहाँ पर चार्ल्स डार्विन और भी कुछ लोग रहे हैं, तो वहाँ पर इन्होंने जो काम किया उसको ये यहाँ पे लाए और उन्होंने सिप्ला में अपना बहुत तगड़ा काम करा, जो दवाइयाँ बना कर इन्होंने लोगों की मदद करी, बट अभी भी ये कैम्ब्रिज में बहुत हेल्प करते रहते हैं डिपार्टमेंट्स के लिए, हेल्प करते हैं अपने कॉलेज के लिए, और उसी वजह से ये डिपार्टमेंट रीनेम कर दिया गया, और अभी उन्हें एक फर्स्ट मेडल भी मिला है डिपार्टमेंट में अलुमनाई मेडल। तो अब मैं आना चाहूँगा मेरा कॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया कि BHU में भी आपके कॉलेज सिस्टम होगा, अलग अलग कॉलेजेस होंगे शायद, मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अलग अलग कॉलेजेस थे जिसका एक कॉलेज का मैं पार्ट बना था, जैसे सेंट स्टीवेंस कॉलेज, ऐसे ही मास्टर्स में हमारा एफिलिएशन होता है, ऐसे ही मेरा वहाँ पे कैम्ब्रिज में और ऑक्सफर्ड में दोनों विश्वविद्यालय, जैसे प्रोफेसर त्रिपाठी जी जानते होंगे कि वहाँ पर कॉलेज सिस्टम है, अलग अलग कॉलेजेस हैं और हम एक कॉलेज का पार्ट बनते हैं, वो कॉलेज हमारा एक तरह से फैमिली होता है, वहाँ पर हम स्टूडेंट्स से मिलते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट से हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, हमारा ही सब्जेक्ट नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट, जब हम डिनर पर बैठते हैं तो हमें अलग अलग स्टूडेंट्स मिलते हैं वहाँ पे, हम उनके बारे में पूछते हैं उनका काम क्या है, वो सीख उससे हम सीखते हैं और वो भी हमसे सीखते हैं कि क्या काम है,
तो वो एक कॉलेज मेरा जो रहा है वो ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में रहा, जिससे मुझे बहुत कुछ मिला सीखने को भी और इंस्पिरेशन वाइज भी, और बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंस्पिरेशन मिली है वहाँ से, और वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ये सारे लोग जो हैं ये उस कॉलेज से ही निकले हैं, और अब आप देखकर श्रीनिवास रामानुजन ये तो अब आप समझ गए होंगे वो पिक्चर जो मैं आपको दिखाई थी वो फर्स्ट स्लाइड में वो कहाँ की पिक्चर है, तो वो इसी कॉलेज की पिक्चर है, ट्रिनिटी कॉलेज। तो यहाँ पर ये सारे लोग उसी रास्तों पे चले हैं जब मैं उस कॉलेज में पहुँचा, और मैं चीज़ बताना भूल गया कि मेरे नाना जैसे मुझे स्टोरी के बारे में बताते थे उस टाइम पर कि ये गए इंग्लैंड गए और वहाँ पर इन्होंने बहुत मेहनत करी, और उसके बाद जो उनके पास आइडियाज़ थे वो जी छाड़ी के साथ, मुझे ये नहीं पता था कि वो वही जगह पे मैं पहुँच जाऊँगा एग्जैक्टली जो मेरे नाना मुझे छोटे में स्टोरी में बता रहे थे, और मैं उसी कॉलेज में उसी रास्ते पर चल रहा था जो मुझे वो स्टोरी उस टाइम मेरे नाना जी मुझे सुनाते थे। द ओनली सैड पार्ट वॉज कि उस टाइम पर मेरे नाना जी अलाइव नहीं, और उसी के थोड़ी देर पहले जब मैं इस कॉलेज में पहुँचने वाला था उसी के पहले उनकी डेथ हो गई। लेकिन मैं उस टाइम उनसे खूब डिस्कस कर रहा था कि मेरा इसमें एडमिशन हो चुका है, मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं है, और मैं इंडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में भी इनएलिजिबल था क्योंकि मैं बाहर ऑलरेडी जा चुका था। तो मेरे पास ओनली अपॉर्चुनिटी वॉज कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से स्कॉलरशिप मिले। तो मेरे नाना जी ने मुझे एक शब्द बोला था फ़ोन पर कि कोई टेंशन मत लेना तुम्हें सारी स्कॉलरशिप मिलेगी। मुझे उस पर बिलीव नहीं था कि ऐसा कुछ होगा जो उन्होंने बोला है, क्योंकि बहुत मुश्किल है और वहाँ से मिलना, और एक साल का फीस था हमारा £30,000, मतलब 30,000 × 100 आप कर ले रुपीज़ वो सिर्फ एक साल का, और 3 साल का ट्यूशन फी देना, उसके बाद हर साल की मेंटेनेंस भी। और मैं एकेडमिक फैमिली से आता हूँ तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और मेरे पेरेंट्स मुझे वैसे ही सपोर्ट कर चुके थे पहले ही, तो मेरे पास वो ऑप्शन भी नहीं था। और फाइनली जाके मुझे तीन स्कॉलरशिप्स मिली वहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, और जिसकी वजह से मैं पढ़ पाया। उन्होंने मुझे ट्यूशन फी चार्ज करी, बट उन्होंने खुद ही उस ट्यूशन फी को कवर भी किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मेरे नाना जी ने भी जो मेरे को सब बताया उसके लिए, और मैं इसके डिटेल्स में तो नहीं कर सकता टाइम के रहते हुए, बट जैसे जे.जे. थॉम्सन ने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का काम किया, डिस्कवरी की, फिर उसके बाद उन्होंने नोबेल प्राइज जीता, उसके बाद उनके बेटे जॉर्ज थॉम्सन, उसके बाद उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन पे काम किया और उनको भी नोबेल प्राइज मिला एक फर्दर डिस्कवरी के लिए इलेक्ट्रॉन के अंदर ही। और उसके बाद रदरफोर्ड तो आप जानते ही हैं, एटम में जिन्होंने काम किया है, नील्स बोहर, फिर जेम्स मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके बाद लॉर्ड रैले जिन्होंने इफेक्ट दिया रैले स्कैटरिंग इफेक्ट, और आसमान क्यों नीला होता है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम रैले स्कैटरिंग इफेक्ट से, और जॉन कैंड्रियू जिन्होंने बताया कि कैसे जो प्रोटीन्स जो हैं हीमोग्लोबिन जो है कैसे ऑक्सीजन को बाइंड करता है और कैसे ये ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है। और ये मैं प्रेजेंटिंग अभी मैं लद्दाख में था प्रोफेसर मिश्रा जी के साथ, एक कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि वहाँ के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल्स कम होते हैं, और वहाँ पे ऑक्सीजन रहना प्रॉपरली हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब करना इनफ फॉर्म में कितना ज़रूरी है। और देंकी रामानुजन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं जहाँ पहुँचा कैम्ब्रिज में वो वहीं पे हैं, फेलो हैं ट्रिनिटी कॉलेज, और रामानुजन को मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाकी एस चंद्रशेखर भी वहाँ पे रहे हैं। और फिर मैं बताना चाहूँगा, एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कैसे कुछ हमें जो मुझे टूल्स मिले उस कॉलेज में वो मिले कि कैसे ये लोग सोचते थे, और इसका ये एग्जांपल है एक न्यूटन का एग्जांपल। ये हमारा एक कॉलेज का पार्ट है, क्लॉस्टर है ये बैक साइड, और ये कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉरिडोर है क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस एंड पे खड़े हों, यहाँ पे एक वॉल है, और इस एंड पे खड़े होकर अगर आप क्लैप करें ऐसे, तो उस क्लैप यहाँ पे तो नहीं हुआ कुछ, बट वहाँ पे अगर आप क्लैप करेंगे तो एक एको आएगी वापस आपके पास, और उस एको जो आएगी आपके पास, तो न्यूटन ने वहाँ पे सोचा कि बहुत इंटरेस्टिंग कॉरिडोर है, और वहाँ पे वो रहे। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि कितना टाइम लग रहा है वो एको वापस आने में उस वॉल से, और उन्होंने ये डिस्टेंस भी मेजर किया कि वहाँ से लेकर पूरा वॉल तक कितना डिस्टेंस है। और क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि उन्होंने क्या करा होगा उससे डिस्टेंस वगैरह अगर उनको हाँ एग्जैक्टली जैसे आप बता रहे हैं आप उन्होंने पता लगा लिया कि स्पीड ऑफ साउंड किया, किसी को पता नहीं था उस टाइम पे स्पीड ऑफ साउंड किया,
और जस्ट ये आइडिया आना कि इस कॉरिडोर में ऐसा किया जा सकता है, और उस टाइम पे उनके पास स्टॉप वॉच भी नहीं थी, किसी के पास स्टॉप वॉच नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, जो पेंडुलम था उसको यूज़ करते हुए स्पीड ऑफ साउंड निकाल ली, और बाद में जो एग्जैक्ट वैल्यू निकली उससे वो वैल्यू बहुत क्लोज थी जो इनकी वैल्यू थी। और ये सारी चीज़ें जो इन्होंने करी और श्रीनिवास रामानुजन ने करी और एस चंद्रशेखर ने करी और सारे जो भी मैंने आपको लोग दिखाए उन्होंने करी, ये सारी इस लाइब्रेरी में मौजूद है, ये है रैन लाइब्रेरी। और यहाँ पे आप मैं एक्चुअली जाकर सबसे पहले काम मैंने ये किया था कि मैंने वो पूरा बॉक्स निकाला जो रामानुजन का बॉक्स था, और उस बॉक्स में जो ओरिजिनल पेपर्स थे, जो करस्पॉन्डेंस थी इंडियन गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ और इंडिया के बैंक के साथ, सारा वो सारा मैंने पढ़ा, उसको पढ़ के मैं कांप गया था उस टाइम पे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं करना चाहता था बहुत पहले से, जो मैं फाइनली वहाँ पे कर पाया। बट और भी आपको बहुत चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो आप जब चाहें तो मैं कहूँगा कि आप एक बार यहाँ जरूर जाएँ, और रामानुजन का तो आप जरूर वहाँ पर देखें, और मूवी उनकी आई हुई है एक द मैन हू न्यू इंफिनिटी, जो किसी जगह पर शूटिंग भी है सारी, जो मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, वो मूवी जरूर देखें, जो आप ये काफ़ी चीज़ें रिकॉल कर पाएंगे, ये सब यहीं पर वो भागते हैं जो आप देखेंगे मूवी में, और एक बाहर जो मैंने आपको कोर्ट दिखाया वो पिक्चर। और फिर जैसा प्रोफेसर रामसागर मिश्रा जी बता रहे थे कि मेरे को एक सौभाग्य मिला कि मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बनूँ, और मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया था, मुझे मेरे जो साथी थे जो लोग थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बाई चांस मैं जीत भी गया, और उसके बाद मुझे कॉलेज के लिए थोड़ा काम, इसी कॉलेज के लिए काम करने का मौका मिला, और मेरे कॉलेज के मास्टर तब थे ग्रेगरी विंटर जी, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, ये भी बहुत काम करते थे कॉलेज के लिए, और हम साथ में मिल के, मैं स्टूडेंट की तरफ से और ये सीनियर कॉलेज कॉलेज का मास्टर का मतलब होता है कॉलेज का प्रिंसिपल, वहाँ पे उसको मास्टर बोला जाता है, जैसे यहाँ पे वाइस चांसलर हुआ वैसे ही ट्रिनिटी कॉलेज में मास्टर बोला जाता है। तो हम लोगों ने खूब काम किया, ये जो फोटोग्राफ खींची है उस दिन खींची है जब मेरा कंप्लीशन था, लास्ट डे था मेरा उस प्रेसिडेंट का, तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि ख़त्म हो गया। उसी के कुछ हफ्तों बाद न्यूज़ मिलती है कि इन्हें भी नोबेल प्राइज मिल गया है हमारे कॉलेज के मास्टर को, और इनको 2018 में उस टाइम पे नोबेल प्राइज़ मिला डिस्कवरी के लिए, उन्होंने एंटीबॉडीज बनाई, उसका समय नहीं है कि मैं उसको सब डिस्कस करूँ, बट एंटीबॉडीज़ जो कि अब मेडिसिन की तरह यूज़ हो रही हैं, लोग उससे डिजीजेस ट्रीट कर पा रहे हैं और मार्केट में अवेलेबल हैं, जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। और ये बुक है जिसमें ये आप देख सकते हैं, ये बहुत पुरानी बुक जो वहाँ पे रखी हुई है, और मैंने आपको मेट्रिकुलेशन बताया था कि सेरेमनी होती है जो आप जाते हैं, तो फॉर्मली आपको एक सेरेमनी करनी पड़ती है स्टूडेंट बनने के लिए, तो वो सेरेमनी इस कॉलेज में होती है कि आपको साइन करना पड़ेगा, और ये बुक है उन्होंने रखी हुई है जिसमें वो सारे लोग जो मैंने आपको बताया जो वो स्टूडेंट थे उन्होंने इस बुक पर साइन किया, और ये वो बुक हम टच नहीं कर, उसको क्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको देख सकते हैं एज एन इंस्पिरेशन वहाँ पर। और ये कॉलेज का आगे का है, एंड ये रैन लाइब्रेरी जो मैं आपको बता रहा था, और ये रामानुजन के कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं जो मैंने खुद ही खींचे हैं जो वहाँ पर मुझे मिले, और ये वो कोट है, और मैं आपको उसके बारे में तो मूवी के बारे में बता ही चुका हूँ, और मैं आपको ये भी बताया है कि वो आप लोगों को मूवी से इंसिडेंट तो पता ही होगा कि इंस्पिरेशनल इंसिडेंट जो कि जे छाड़ी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं रामानुजन को, और वो बताते हैं उन्हें कि आज तो बहुत ही अनलकी डे है, बिकॉज जिस टैक्सी में हम बैठा उसका नंबर ऑड नंबर था, तो वो बोलते हैं उनसे कि ये नंबर टैक्सी का था 1729 जो कि एक ऑड नंबर है और बहुत अनलकी नंबर है, उसी टाइम इंस्टेंटली रामानुजन रिप्लाई करते हैं कि ये नहीं नहीं दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर हार्डी, इट्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू स्मॉलेस्ट इंटीजर्स 10³ + 9³ and 12³ + 1³। और ये जो इंस्टेंटली उन्होंने रिप्लाई दिया उनके उनको उसकी वजह से भूला जाता है पर्सनल फ्रेंड्स विद नंबर्स ऐसे करके, बट ये एक स्टोरी है जो आपको मूवी में भी दिखी होगी और काफ़ी इंस्पिरेशन है। और अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने अपनी मास्टर्स और पीएचडी करी, एक कॉमन थीम जरूर थी उसमें कि मैंने जैसे हम खाना बनाते हैं, तो जब खाना बनाते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और इससे कुकिंग होती है, भले ही आप एंड में वो ऑयल सेपरेट कर सकते हैं, आपका फूड प्रोडक्ट आपका अलग है जो आप खाएंगे, ऐसे केमिस्ट्री में होता है, ऐसा एक मीडियम है कुकिंग ऑयल की तरह जो कि सॉल्वेंट कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो कि यूज़ होता है केमिकल्स को मिक्स करने के लिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए।
और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं ये मैंने भी यूज़ किए हैं अपने मास्टर्स और पीएचडी वर्क में। और ये क्या है कि फॉसिल फ्यूल डिराइव हैं, ये पेट्रोकेमिकल से मिलते हैं हमें ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बिकॉज ये कार्बन बेस्ड सॉल्वेंट्स है, तो एक क्रैकिंग प्रोसेस होता है जिससे आपको ये सॉल्वेंट्स मिलेंगे। और इन सॉल्वेंट्स का जो देखा जाए, सॉल्वेंट्स एक तो आप पेट्रोकेमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल सोर्सेज को, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है उससे, ये सब चीज़ें तो हो ही रही हैं। साथ में जो चीज़ें हो रही हैं कि ये सॉल्वेंट्स भी जो यूज़ हो रहे हैं ये भी बहुत हानिकारक है, इससे पता नहीं कितने सारे डिजीज़ हो रहे हैं। जैसे डाइक्लोरोमीथेन एक सॉल्वेंट है जो बहुत कॉमनली यूज है रिएक्शन में, उससे कैंसर होता है, और ये तो बहुत वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, ये जो भी यूज़ नहीं हुआ ये इवेपोरेट हो सकता है एटमोसफेयर पे और लोग इसको इनहेल कर सकते हैं। तो ये है, और बाकी बहुत सारे हैं जो कि मेरे को समय नहीं है कि मैं उन सबका एग्जाम्पल दूँ। तो पॉइंट ये है इस सबसे कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो अभी हम फार्मा कंपनीज में ये सारे सॉल्वेंट्स केमिस्ट्री करने के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम नेचर से इंस्पिरेशन नहीं लेते? नेचर ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसा डिजीज नहीं कर रहा है ये प्रोसेस होते हुए, भले ही वो मेडिसिन मिल रही है, मेडिसिन ट्रीट कर रही है, लेकिन आप उसको बना कैसे रहे, उस बनाने के प्रोसेस में ही हम करा जा रहा है मेडिसिन। तो मेडिसिन एंड में मतलब ठीक है, उसका भी उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बट प्रोसेस से भी आप उसको कोई डैमेज ना करें जैसे नेचर कर रहा है। तो मैं उसके उस दौरान जब मैं पीएचडी खत्म कर रहा था तो मुझे एक मौका मिला कि मैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग टॉक अटेंड करूँ, वो थी प्रोफेसर फ्रांसिस आर्नल्ड, और मुझे मौका मिला कि मैं इनसे अपना काम भी शेयर करूँ। और इन्होंने अपने टॉक में एक जो सेंट्रल थीम जो एक कोट यूज किया वो था कि नेचर इज द बेस्ट केमिस्ट, कि प्रकृति एक बेस्ट केमिस्ट है। तो इससे काफ़ी ये वर्ड्स बहुत इंस्पायरिंग थे कि आप अगर कनेक्ट बैक करें जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि नेचर कैसे कर पा रहा है सस्टेनेबली और नहीं हार्म कर रहा, तो ये पूरा ऐप है। और इनको मैं लगी था कि उसी टाइम इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था उस टाइम, और इनकी नोबेल प्राइज़ जो इन्होंने काम किया है वो है, इनका काम रहा है कि इन्होंने कैसे नेचर से एंजाइम लेते हुए उन्हीं रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन बहुत हानिकारक वे से करे जा रही थी उनको बहुत सस्टेनेबली कर लिया, उनको डैमेज ना करते हुए, तो उनका काम हो रहा है, तो वो भी सीखने को मिला मुझे। और भी कुछ बहुत पॉपुलर कोट्स हैं और मैं डिस्कस करता खासकर कोट्स हैं, बट प्रोफेसर राम सागर मिश्रा जी ने बोला कि इस क्या रेलेवेंस हो सकता है ये वेदास साइड पे अगर देखा जाए, जो आप सब एक्सपर्ट्स हैं, मैं नहीं हूँ उसका एक्सपर्ट, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा एक्सपर्टीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री साइड पर, बट चूँकि मैं आपके सेंटर में हूँ वैदिक साइंस के सेंटर में हूँ, तो अगर हम देखें और आप अगर मैं आपको आपसे ये सब बता रहा हूँ, आपसे ये सब बोला है मैंने, जो भी मैं आपको डिस्कस किया, आप मुझे बोलेंगे कि वेदास में तो पता नहीं कितनी चीज़ें ये ऑलरेडी मैंशन हैं इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, जो मैं बोल रहा हूँ कि नेचर को हमें कैसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, कैसे हमें इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि ये तो हम बीइंग हार्मोनियस विद नेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिट्स जो वेदास मैंशन करते हैं, और कैसे वर्शिप करा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जैसे उनको देवताओं के समान दिया जाता है, वरुणा अग्नि वायु पृथ्वी ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हुए, और सस्टेनेबिलिटी इज ऑल अबाउट कि कैसे हम इसको रिस्पेक्ट करें, इसको प्रोटेक्ट करें और इन रिसोर्सेज को हम यूज़ करें एनर्जी यूजेज के लिए। और दूसरा, मैं जितना समझा हूँ वेदास को, उसमें ये भी एंशिएंट विजडम बोल रहा है कि कैसे जो मानव जाति है, कैसे हमारे जो प्रकृति है उसके साथ को एग्जिस्ट कर सकती है इन अ हारमोनियस वे, ताकि किसी का भी नुकसान ना उस प्रोसेस में। और ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊँगा कि मुझे सिग्नल मिल गया प्रोफेसर राम सागर मिश्रा जी से कि टाइम की कमी है, लेकिन मैं यहाँ आई एम ओपन टू लर्न मोर थिंग्स अबाउट इट बिकॉज मैं और सेंटर में ही। और उसके इसी सारे देखते हुए इसके बाद मुझे इंस्पिरेशन मिला कि क्यों ना मैं ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करूँ जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ना हो, जो कि फॉसिल फ्यूल से डिराइव ना हो, ऐसा कोई लिक्विड जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, इकोनॉमिकल हो, कोई है आपके दिमाग में क्या हो सकता है ऐसा? एग्जैक्टली, तो मैंने यही किया, वाटर यूज़ किया, और मुझे ये चांस मिला यूज़ करने का बिकॉज मेरे एक प्रोजेक्ट निकला था उस पर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो का प्रोजेक्ट ईपीएसआरसी का,
जो कि वहाँ की साइंस काउंसिल है जैसे यहाँ पे होती है, और वो साइंस काउंसिल का प्रोजेक्ट था एग्जैक्टली कि हम वाटर कैसे यूज़ कर पाएँ। और ये लोगों को लगता है कि वाटर कैन नॉट बी यूज एज अ मीडियम केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि वाटर एक इक्वस मीडियम है और आपको चाहिए कार्बन सोर्सेज मीडियम, पेट्रोकेमिकल से राइट वो वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स चाहिए। तो हम उसको गलत प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं नहीं वाटर भी कैन एक्ट एज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। और मुझे मौका मिला कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में ये प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में बेस्ड, और मैं वहाँ पे करेंटली पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो हूँ, जहाँ पर मुझे मौका मिला ये रिसर्च करने का। और ये यूनिवर्सिटी रैंक फर्स्ट करता है इन तीन यूएन के, तो आप जानते हैं यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं, उनके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि पूरा वर्ल्ड अभी फॉलो करना करने के लिए डायरेक्टिव्स हैं। और उसमें जो तीन हैं उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स रैंक फर्स्ट, ये प्रोजेक्ट वहाँ पे बेस्ड, और मुझे ये मौका मिला कि मैं ये इस प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। मेरे पास समय नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है जो वहाँ पर अभी मैंने करी है पिछले कुछ सालों में, कि कैसे हमने ये रिएक्शन को वाटर में कर डाला और उस वाटर में करके जो उसका एफिशिएंसी थी वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गई, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होगा, वो वाटर में बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर उसमें एक सॉल्ट डाल दें तो वो रिएक्शन और भी जल्दी हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं एक, और कितने ही टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए एनर्जी भी बहुत कम यूज़ होगी और आपको सिर्फ वाटर यूज़ हो रहा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी जल्दी रिएक्शन कैसे हो जा रही है वाटर को डाल के? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वो रिएक्शन तेज़ नहीं हो पा रही है, लेकिन वाटर से कैसे हो जा रही है? तो ये एक अलग क्वेश्चन आया हमारे पास कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको हमने समझने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए पूरा मैकेनिज्म में गए हम, उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स करे और हमने फिगर आउट कर लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसका अभी समय नहीं है कि मैं आपसे डिस्कस कर पाऊँ, लेकिन हमने अभी ये रिसेंटली पेपर आया है ऑनलाइन जिसमें ये सारा हमने उसको बताया है कि ऐसा कैसे हो रहा है और ये कैसे रिएक्शन हो गई है। और उसके बाद एक रिएक्शन है जिस पर मैं करेंटली अभी वर्क कर रहा हूँ, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री है, विच इज़ अबाउट एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, जो कि आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा। ये कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रिक नेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, और इसका इसी वजह से इसकी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आप देखें अभी जितनी भी मेडिसिन हैं अभी करेंटली, उन मेडिसिन को आप देखें अबाउट 25% क्वार्टर मतलब एक चौथाई मेडिसिन में फ्लोरीन आइटम प्रेजेंट है। तो इससे पता चलता है कि जो ये मेडिसिन बना रहे हैं फार्मा कंपनीज ने, ये फ्लोरीन को अटैच कर रहे हैं ये मेडिसिन बनाने के। अब जो ये प्रोसेस है, जो फ्लोरीन को अटैच करने का प्रोसेस है, वो बहुत हानिकारक है, उसके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ हो रहे हैं जो मैंने अभी बोला पेट्रोकेमिकल डराइव फॉसिल फ्यूल डराइव, और बहुत हार्श कंडीशंस यूज़ हो रही हैं, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत एनर्जी का यूज़, तो उस कंडीशंस अप्रोप्रिएट नहीं, सस्टेनेबल नहीं। तो मेरा काम था कि क्या मैं उसमें वाटर में कर सकता हूँ ये रिएक्शन, क्या मैं फ्लोरीन अटैच अगर हम कर सकते हैं तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्वार्टर ऑफ द फार्मा कंपनी को चेंज कर सकता है, उसको सस्टेनेबल बना सकता है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, ये अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने इसको ऐसा दर्जा दिया है दो बार। तो उस पर काम चल रहा है और इसकी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट हैं जो अभी हमारे पास आए, उसका मैं अभी तो नहीं कर पाऊँगा शेयर, बट मैं करना चाहूँगा कि मेरे कुछ और इंस्पिरेशन जो मुझे मिले इसी दौरान, जब मैंने ये फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री पे अपना वर्क को प्रेजेंट किया, उसमें मुझे मिले जो इसके इस एक फील्ड है ग्रीन केमिस्ट्री करके, जो कि है सस्टेनेबल केमिस्ट्री इसका मतलब, और उसको जो जिन्होंने बनाया है वो पॉल नास्टर्स हैं और जॉन बर्नर, और ये पॉल नास्टर्स कई US प्रेसिडेंट्स के एडवाइज़र रह चुके हैं, और जिस टाइम ये फील्ड कॉइन हुआ था आज से 25 साल पहले, उस टाइम ये EPA एडवाइज़र थे प्रेसिडेंट के, और उस टाइम इन्होंने जॉन बर्नर के साथ मिले थे ये फील्ड का इन्वेंशन की, जो अभी बहुत ज़्यादा हाई उस पर है कि सब लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं कि इसको सस्टेनेबल किया जाए और डैमेज नहीं किया जाए हमारे प्रकृति को और पर्यावरण को। और मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा, जो भी मैंने आपको अभी बताया और रिसर्च बताई, वो मुझे मौका मिला कि मैं UK के पार्लियामेंट में जाके उसको बताऊँ, उसकी इम्पोर्टेंस बताऊँ कि सस्टेनेबल केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमने काम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इनको बताएं कि एज अ होल रिसर्च बॉडी क्या क्या चीज़ों पे इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। तो इनका इनसे मेरी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई और इनको भी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। एक मेरे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रहे, और अभी रिसेंटली ये जर्नी जो रही है अबाउट लर्निंग डिफरेंट थिंग्स, मीटिंग डिफरेंट पीपल, ये अभी अवेलेबल आई है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में
करी है। और फाइनली मैं बस धन्यवाद देना चाहूँगा, और राम सागर मिश्रा जी ने बोला था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे इसमें लेक्चर में, तो उनके लिए ये है सोसाइटी जो हमने बनाई है, मेरे ही टाइम पे हमने स्थापित करी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सोसाइटी। और इसमें हमारा पर्पस है कि कैसे जो इंडियंस हैं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए एक फ्रेंडली एटमोसफेयर, उनके लिए एक होमली एटमोसफेयर, ताकि उनका एक होम अवे फ्रॉम होम बने वो कैसे रहे। तो क्योंकि जब मैं राम सागर मिश्रा जी के साथ ऑक्सफर्ड में था तो वो बहुत एक होमली एटमोसफेयर था, तो मैं चाहता था कि वो एक वहाँ पर भी एग्जिस्ट करे। तो हम काफ़ी इवेंट्स कर चुके हैं ऑलरेडी, और स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हों जाके देख सकते हैं, और कोई भी आता है वहाँ पे तो हम उनको वेलकम करते हैं, और खुद हम उसके लिए खाना बनाते हैं जो मैं और बाकी के सीनियर लोग वहाँ के, और उनको एक भी उसके लिए पैसा चार्ज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को। और उनके सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी उनके पास दुविधा है आने से पहले, वो मैं खुद या फिर मैं नहीं कर सकता हूँ तो मैं दूसरों से पूछता हूँ, और हम फ़ोन पे इसको डिस्कस करते हैं, उनके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, क्योंकि वो एक हेल्प भी, एक क्वेश्चन का आंसर भी हमारे लिए इतने मीन एंड वर्ड। ये सारे स्टूडेंट भरते हैं? हाँ, ये हमारे पिछले साल के सारे जो कोहोर्ट है, और इसमें से कुछ हम सीनियर लोग हैं जो पहले के हैं जैसे भारतीय। हाँ, ये सर, ये भारतीय सोसाइटी इंडियंस के लिए हमने बनाई है वहाँ पर, तो ये सारे भारतीय। बस आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृष्णा शर्मा ने ये यात्रा ऐसे शुरू करा थी, और हम लोगों से जाना बड़ा करते हैं, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं आज ऑक्सफोर्ड में बैठा हूँ, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारे देश का ऑक्सफोर्ड ही है। इन शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे हृदय रमन शर्मा जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम लोग। सभी सम्मान्य जन, डॉक्टर शर्मा जी ने रसायन विज्ञान पर बहुत ही अच्छी बातें बतलाई, और उसके सारे जितने भी गूढ़ पक्ष थे उन पर चर्चा की, और उसके साथ साथ वैदिक विज्ञान की भी थोड़ी चर्चा आखिर में की। मैं बहुत ही संक्षेप में वैदिक विज्ञान, वेद विज्ञान क्या है और किस तरह से वह हमें लाभान्वित कर सकता है उसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि आप ब्रिटेन से सर्विस वहां कर रहे हैं, हैं भारतीय, तो मैं उसी का एक आपको एक घटना बताना चाहता हूं कि आधुनिक विज्ञान, चाहे वह केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, या जो भी क्षेत्र हो, उसमें बहुत आगे तक जाकर और क्या जीवन के सृष्टि के गूढ़ पक्ष हैं उनको वह डिकोड कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। लेकिन जो फिजिकल साइंस है उसकी एक सीमा है, उस सीमा के बाद सृष्टि और जीवन का जो डिवाइन एक्जिस्टेंस है वहाँ से वेद विज्ञान शुरू होता है। फिजिकल साइंस जहाँ समाप्त होता है उसके आगे वैदिक विज्ञान शुरू होता है। पूरी सृष्टि जो है वह तीन उसके स्तर हमें बताता रहता हूँ, फिजिकल, डिवाइन और स्पिरिचुअल, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक फिजिकल एस्पेक्ट में जो कुछ भी जितना भी विज्ञान आगे जा रहा है, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि पूरे विश्व के जितने विकसित देश हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ से स्कॉलर आते रहे हैं, और वहाँ जो अध्ययन का स्तर है मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे डॉक्टर प्रोफेसर मिश्र जी जो हैं वह विदेशों में भी अध्ययन किया है, अध्यापन किया है और यहाँ कर रहे हैं, तो वो समझ सकते हैं भारतीय स्तर आधुनिक विज्ञान का और पूरे वैश्विक स्तर पर जो उसका क्रम है किस तरह से उसमें एक अंतर है। तो वैश्विक स्तर पर जितना अधिक विज्ञान का क्रम है वो भी जहाँ समाप्त हो, बस सीधे सीधे आधुनिक विज्ञान जहाँ उसकी सीमा समाप्त होती है जो वैदिक विज्ञान वहाँ से शुरू होता है। वो घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ,
महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चर्चा करता हूँ कि बाहर भी किस तरह से आदमी जो है वैदिक विज्ञान काम कर रहा है। साल्वे मैकेंटूस इंग्लैंड की ही एक लेडी स्कॉलर, उसको कैंसर हो गया और वो कैंसर थर्ड स्टेज पर चला गया और वहाँ के जो हॉस्पिटल में वहाँ डॉक्टर्स ने कहा अब तुम बच नहीं सकती, तुम्हारी लाइफ केवल एक डेढ़ महीना बस है और उसको कह दिया बस उतना ही। अब ऐसी स्थिति में बाहर विदेशों में भी सब जानते हैं वेद क्या है, भारतीय संस्कृत क्या है, ईश्वर आदि की बात, तो उसके मन में आया कि जब हमारा एक डेढ़ महीने ही तक समय है जीवन का तो क्यों ना कुछ या पाठ का आध्यात्मिक स्वरूप है उसको मैं कर लूँ, क्योंकि और सारे फिजिकल एस्पेक्ट में जितनी भी दवाइयाँ थी ये सब तो पूरा वो ले चुकी थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो वहाँ एक जो है वैदिक विद्वान ये है, वहाँ कई लोग हैं, जाके वो वहाँ गए, उनसे कहा हमें एक आप छोटा सा कोई मंत्र या श्लोक दे दीजिए, हम उसको पढ़ना चाहते हैं, कुछ एक दे दिया। वो आकर उसको पूरे मनोयोग से विश्वास से, देखिए सबसे बड़ी चीज है विश्वास, उसे ये विश्वास था कि भारत में कुछ ऐसा है, उस विश्वास से उसको वो पढ़ने लगी। एक महीना डेढ़ महीना दो महीना तीन चार महीना बीत गए, उसको अरे हमारी तो गुंडा गई हॉस्पिटल डॉक्टरों के पास, तो डॉक्टरों का अरे तुम अभी जिंदा हो, कहा किसकी दवा की कौन सा डॉक्टर, कहा कोई दवा नहीं की, सब छोड़ दी, केवल कुछ अध्यात्म का कुछ मंत्र है उसको मैं कर रही। चेकअप हुआ, कैंसर थर्ड स्टेज पर था, कहाँ गायब हो गया और बोला जिंदा रही। उसके मन में ये हुआ कि आखिर ये क्या है कि हमने वो मंत्र पढ़ा और हम अभी तक जीवित हैं, उसके जो है गायब हो गया। तो कैंसर साधारण परिवार की थी, उसने मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया, आई बनारस, इंडिया आई, काशी आई, उसको था काशी में संयोग से उसको मेरा पता मिला, वो आई और उसने वेदों में वेद हैं, वेद के जो मंत्र हैं स्वर हैं उनको पढ़ने का और नियम आदि का जो है याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथ है, तो वो उसने कहा आप हमें याज्ञवल्क्य शिक्षा पढ़ाइए, समझना चाहते हैं क्या है उसका। तो वो पढ़ी संक्षेप में मैं इसको करना चाहता हूँ, वह चार पांच वर्ष आती रही और पढ़ती रही और फिर उसने वहाँ एक पुस्तक लिखी, पुस्तक थी हिडन फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन साउंड। वो साउंड एनर्जी की वैदिक विज्ञान जो है वो साउंड एनर्जी है, ध्वनि का विज्ञान, और ये जो ध्वनि है हम लोग जो बोल रहे हैं ये ध्वनि जो है ये वेद में बताया है चार प्रकार की ध्वनियाँ हैं, तो ये जो है बैखरी माने चौथे प्रकार की ध्वनि है। कुछ दिनों पहले जो है नासा ने भी पकड़ा कि सूर्य से जो किरणें निकलती हैं उनमें ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, फोन किया इंडिया वालों ने कि नासा ने तो ये पकड़ा है, आपका वेद क्या कहता है। तो मैंने कहा मेरा वेद जो है जो ध्वनि वो सुन रहे हैं वो बैखरी ध्वनि है, मनुष्य बोलते हैं तो ही पशु पक्षी सब बोलते हैं, इससे भीतर तीन और साउंड है सटल पाग में, परा पश्यंती मध्यमा बैखरी, तो बैखरी बिखरना माने स्वर और व्यंजन के रूप में जो निकले वो बैखरी है, और सटल आस्पेक्ट है वो मध्यमा पश्यंती और परा, वो सटल आस्पेक्ट डिवाइन आस्पेक्ट है, वह तपस्या से हम उसको जागृत करते हैं उसके साथ जुड़ते हैं। एक उदाहरण उपमा देख लीजिए कि जो फिल्मी सांग जो है या शास्त्रीय संगीत, तो अच्छे अच्छे तो संगीतज्ञ हैं, गान गाते हैं, हम लोग भी उसको दोहराते हैं, लेकिन हम लोग जो दोहराते हैं वो गाना है गा लेते हैं लेकिन वो उसकी मिठास वो हृदय को स्पर्श नहीं करता, और क्योंकि वो स्वर में गाते, तो ये बैखरी भी जो है उसके
हिडन एस्पेक्ट हैं, उसमें भी जो है ध्वनि है, साउंड फॉर्म टच है, जब हम उसको उसके साथ जोड़ते हैं तो फिर मुझे इतना अच्छा अच्छा लगता है। तानसेन का कहते थे ना, वो गाते थे तो सभी जो है पशु पक्षी आ जाते थे, जो उसकी शक्ति है साउंड, वो साउंड एनर्जी जो है डिवाइन, वही वैदिक विज्ञान का मूल है। तो उसको उसने मन से कहा था तो वो ठीक हो गई। तो उसने वो पुस्तक निकाली और वो पूरे यूरोप में और अमेरिका में वो बहुत ही ज़्यादा सेलेबल हुई। और तो उसे बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि जो भी फिजिकल एस्पेक्ट में विज्ञान का क्रम है, उससे आगे जो सृष्टि चल रही है, उस सारी सृष्टि में और जीवन सीधे सीधे लाइफ एनर्जी सब में है। वेद ये मानता है कि चेतन अचेतन जैसे हम अलग अलग कहते हैं, सब में जीवन है। वो रीजनिंग के साथ हम उसको सिद्ध भी कर सकते हैं, समय नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जो वैदिक विज्ञान है वो साउंड पार है, डिवाइन साउंड पार, और उसको तपस्या से हम अर्जित करते हैं। और ऋषि महर्षि लोग उस प्राण शक्ति को जागृत करके और फिर जो भी चाहते हैं वो करते हैं, जो भी चाहते हैं मैंने अपने मन से नहीं चाहते हैं, जो सृष्टि का क्रम है ईश्वरीय क्रम, उसको आगे बढ़ाते हैं। और जब वो सिद्ध हो जाती है डिवाइन जो साउंड है वो, तो कोई अगर कहता है, सिद्ध पुरुष कह देते हैं ना जाओ ऐसा हो जाएगा, तो वो ऐसे ही हम मैंने केवल शब्द नहीं है, उसके साथ जो उसका डिवाइन एनर्जी है वो काम करती है, हो जाता है। मैंने दर्शन किया है, मुझे ऐसे सिद्ध लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, नाम मैं लेता हूँ आनंद निर्मा को सब जानते हैं, उनका यह स्वरूप मैंने देखा है डिवाइन फॉर्म उनका। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल, और पूरा विश्व आज ये मान रहा है कि वेद हैं, वेदों में जो बात कही गई है पूरी साइंटिफिक है, काल्पनिक नहीं है, साइंटिफिक है। और यही मान के पूरे विश्व में वैदिक विज्ञान पर काम हो रहा है और बहुत आगे काम हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो उसके गुण पक्ष हैं उनको बतलाया और उस तरह काम कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ आप जो हमारा वैदिक विज्ञान है उसके लिए थोड़ा सा आपकी जिज्ञासा है उसको समझने का प्रयास करें, उसके साथ जुड़ें और जीवन की जो पूर्णता है उसके साथ आगे बढ़े। इतना ही कहते ग्रामीण का धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शर्मा गुरु जी का। तो शर्मा गुरु जी ने जैसे बताया कि जो ध्वनि में ऊर्जा, तो हमारे केमिस्ट्री में भी हम लोग रिएक्शन करते हैं, एक सोनी के अल्ट्रासोनिकेशन होता है वहाँ पर, जिसे फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जब उसमें हम रिएक्शन लगाते हैं तो हमें कोई हीटिंग फीटिंग जरूरत नहीं पड़ती, गर्म मतलब नहीं करना पड़ता है और उसमें वो रिएक्शन हो जाती है। तो जो ध्वनि है, ध्वनि एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो उस शक्ति से हम रसायन में भी उसका उपयोग करते हैं सोनिकेशन का, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने भी कुछ रिएक्शन अल्ट्रासोनिकेशन से किए। ऐसे ही एक माइक्रोवेव है, तो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे वेद को के मंत्रों में निहित है। जैसा कि शर्मा गुरु जी ने बताया कि जहाँ पर भौतिक विज्ञान जो हमारा फिजिकल साइंसेस है वो जहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, जहाँ तक पहुंचता है उसके बाद का जो साइंस है, ठीक है, पराविद्या और अपराविद्या, वहाँ से वेद की शुरुआत होती है। और अगर हम उस ओवरलैप को समझ पाएं तो निश्चित रूप से हम वेदों में निहित मंत्रों में निहित ज्ञान को अपने लिए जीवनोपयोगी और समाज के लिए हम अच्छे तरीके से उसका प्रयोग कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा गुरु जी, और आपका आशीर्वाद हम सभी को मिलता है और ऐसे ही मिलता रहे। आप जो है चिर काल तक ऐसे हम आपको आशीर्वाद देते रहें, ऐसी मेरी भावना से प्रार्थना है, अनुरोध है। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं मृत्युंजय पांडे जी या जय सिंह से कहूँगा कि वो संक्षेप में धन्यवाद ज्ञापन कृषि।
Thank you.